ऑथेंटिक नॉन वेज एंड वेज रेस्टोरेंट तंदूरी नेशन, ओपनिंग नाउ 18 सितंबर, हॉक कैंटीन, मकरोनिया रोड, सागर। एमपी के सीधी जिले में एक पिता ने अपने जवान बेटे के पुतले का किया अंतिम संस्कार। 3 महीने से लापता था बेटा। बेटे की हत्या कर फेंक दी गई थी लाश नदी में, पुलिस नहीं कर पाई थी लाश बरामद। मजबूर पिता ने पुतले का अंतिम संस्कार कर निभाई अपनी जिम्मेदारी। शाजापुर के आगरा मुंबई हाईवे पर मक्सी के पास हुआ सड़क हादसा। खड़े ट्रक से टकराई कार, कार सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही हुई दर्दनाक मौत। पुलिस पहुंची मौके पर। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 90,123 नए मामले आए सामने। 1,290 लोगों की कोरोना से गई जान। सागर जिले के बांदरी में अन्य उत्सव कार्यक्रम हुआ आयोजित। खुरई विधानसभा क्षेत्र के हजारों पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची का वितरण कर राशन किया गया वितरित। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह कार्यक्रम में रहे मौजूद। सागर जिले के गड़ाकोटा में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का हुआ शुभारंभ। राशन विक्रेताओं को युवा भाजपा नेता अभिषेक भार्गव की चेतावनी, गरीबों के राशन को खाने वाले राशन विक्रेताओं को नहीं बख्शा जाएगा। हिदरपुर जिले के बिजावर में भी नगर परिषद सहित जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री अन्न उत्सव कार्यक्रम के तहत हितग्राहियों को वितरित किया गया राशन। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 16 सितंबर को अन्न महोत्सव के रूप में मनाया गया है। सागर के निजी होटल में सुर्खी विधानसभा चुनाव के मंडल प्रभारियों की बैठक की गई आयोजित। कैबिनेट मंत्री समेत जिला अध्यक्ष, महापौर और भाजपा नेता रहे मौजूद। सागर जिले के बीना में शाने भोपाल एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान बीना रेलवे स्टेशन पर एक महिला का पर्स चोरी करने वाले आरोपी को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। केंद्रीय राज्य मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल निकले कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर खुद दी जानकारी। सागर जिले के जड़ुआखेड़ा पुलिस चौकी अंतर्गत एक महिला ने लगाई फांसी, परिजनों ने उतारा फंदे से। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल किया रेफर। ऑथेंटिक नॉन वेज एंड वेज रेस्टोरेंट तंदूरी नेशन, ओपनिंग नाउ 18 सितंबर, हॉक कैंटीन, मकरोनिया रोड, सागर।